हिमाचल के उद्योग मंत्री अते हरौली विधानसभा तो विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने स्कूल के बच्चों लिए सुर संगीत प्रोग्राम का आयोजन किया, जिस दे विच उन्हां मास्टर सलीम नू खास तौर पर बुलाया अते बच्चों नू वॉयस ऑफ हरौली सुर संगीत के चलते अपने अपने हुनर दिखाने का मौका दिता। जेएन नाइट न्यूज़ की टीम के नाल खास गलबात दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने दसिया कि उन्हां दा सपना है कि हिमाचल के सारे बच्चे भी सुर संगीत दे विच हिमाचल का पूरे देश में नाम रोशन करन। हिमाचल के उद्योग मंत्री और हरोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश अग्निहोत्री आज हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आज वॉइस ऑफ हरोली आपने करवाया, हिमाचल के सबसे मतलब पहली बार जो है, पहली दफ़ा ही हुआ है, क्या मोटिव है इसका, किस तरह से बच्चों को जो है आगे कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं? आपने देखा कि देश दुनिया में बच्चों को लेकर बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं। आप तो डे एंड नाइट चैनल एक बहुत प्रख्यात चैनल है और आप देख रहे हो कभी कहीं पे वॉइस ऑफ पंजाब हो रहा है, कहीं सारे गाँव पा हो रहा है, लेकिन हिमाचल के लोगों को कोई मंच नहीं मिल रहा है। मैंने चैनल से भी आग्रह किया है, जैसे आप आए हैं, हम आभारी हैं आपके, बाहर से आप आए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों का टैलेंट भी निखर के बाहर आए, उनको उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकाला जा सके, एक मंच प्रदान करने का प्रयास है। हमेशा विकास की बात होती है कि जैसे हमारे यहाँ पे हरोली मॉडल की हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने 32 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिया, SDM का दफ्तर बना दिया या DSP का दफ्तर बना दिया, या हम जो है खेत को पानी लगा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा है करोड़ों अरबों का, माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से हम वो एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन एक एजेंडा ये भी है कि संगीत की दुनिया में हम अपने बच्चों को कहाँ पहुँचा सकते हैं, खेल की दुनिया में हम अपने बच्चों को कहाँ पहुँचा सकते हैं, इसलिए ये साइमल्टेनियस प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, स्टेडियम्स बनाने का, जिम्स बनाने का है, और उनको फुटबॉल एकेडमी यहाँ बन रही है तो स्टेडियम्स यहाँ बन रहे हैं, जिम्स यहाँ बन रहे हैं ताकि नशे की दुनिया से दूर रहे। दूसरी तरफ संगीत की दुनिया में कि ये बच्चे जो है गाना जानते हैं, इनकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत इस इलाके की खास तौर पे आपने देखा होगा बच्चों की आवाज़ बहुत ऊंची है, लेकिन उसको सुरों में कैसे ढालना है उसके लिए एक प्रयास किया है। और सारे अरोली के बच्चे आए थे और बड़े डिसिप्लिन तरीके से सुबह से बसेस में आए हुए हैं, बच्चों की जिम्मेवारी है, हमें उनके प्रिंसिपल, उनके PTI उनको साथ लगाया हुआ है। मुकेश जी, आपने एकेडमी खोलने की बात की, ऑफर किया है मास्टर सलीम को अपनी ज़मीन देने की बात की, उसमें क्या क्या कुछ अभी तक आपने सोचा? नहीं, हम जैसे हमने खेल की फुटबॉल एकेडमी हम बना रहे हैं, हमें फुटबॉल के जो अच्छे चैंपियन लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो यहाँ खड़गांव में फुटबॉल की एकेडमी बन रही है। संगीत में हम टीचर्स स्कूलों में टीचर्स लगा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि संगीत किस ढंग से उसकी साधना की जा सकती है, कैसे आराधना की जा सकती है, हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हमने मास्टर सलीम से आग्रह किया कि आप पंजाब के बच्चों का जज कर रहे हैं, आप और बाहर के लोगों का जो है जज कर रहे हैं, हम आपको न्योता दे रहे हैं कि आप हिमाचल में भी आओ, और क्योंकि आपने देखा सलीम को बहुत लोग पसंद करते हैं, खासतौर पर अभी जो जुगनी गाई सारा हरोली नाच रहा था, जब इतना पसंद करते हैं तो हमने कहा आपका कोई दायित्व है, हम आपको ज़मीन उपलब्ध करवाते हैं, आप कोई यहाँ पे एकेडमी बनाएं ताकि बच्चों को तराशने में आपका जो है निर्णायक योगदान हो सके। तो बिल्कुल, जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि और भी जो है कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जो छुपी हुई जो यहाँ पे वॉइस ऑफ हरोली जो है पहली बार जो हिमाचल में कराया गया है मुकेश अग्निहोत्री जी की, उसी से कराया गया है, तो बिल्कुल और भी आगे इसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। हरोली से कैमरामैन गेश दुर्गा पाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो, आपां मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।